ऐसे है, मैं छोटी सी रीडिंग ये लेकर आई हूँ कि यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। तो यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं, डिवाइन आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं इस वक्त। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ लाइक बिल्कुल करना, एनर्जी एक्सचेंज होता है। अगर आप ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। बहुत सारी कार्ड्स ऐसे गिर रहे हैं। ओके, चलिए। तो यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। ओके, मेरे स्पिरिट का हेल्प, प्लीज हेल्प मी श्री राधे श्री कृष्णा। क्या प्लान कर रहे हैं? एक तो ये प्लान कर रहे हैं कि कुछ जो भी आपके काम नहीं हो रहे थे या जो भी जिस चीज़ में भी आपको कंफ्यूजन था, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो आपका दूर होने वाला है। आपके ओ माय गॉड, दो ही कार्ड एसेस के तीन कार्ड आ चुके हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ आप किसी चीज़ को लेकर, मनी को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, अपने करियर को लेकर, मतलब पैसों की जो मैटर था आपका, मनी जो से रिलेटेड जो भी दिक्कतें थी, कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं गाइस। कि बिल्कुल वो देखो, ये जो हाथ है ना, ये यूनिवर्स का है, ये हाथ है ना, ये यूनिवर्स का है। तो बिल्कुल ये तीन कार्ड ये बताते हैं कि एक तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है, विजडम के साथ आप चलने वाले हैं, आप बहुत जल्दी आपके अंदर का जो पैशन है कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप क्या चीज़ कर सकते हैं। अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं कुछ काम, ये काम करूँगा तो क्या मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जब आप अपनी इंट्यूशन के सुनेंगे। इंट्यूशन इन द सेंस कि जब आप अपना डिसीजन यानी कि अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हैं, बिल्कुल कंफ्यूजन तो भाग जाता है, कंफ्यूजन वहाँ पर रहता ही नहीं है। अपनी सोल की आवाज़ को सुनिए, अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए, तो बिल्कुल ये गिफ्ट आपके लिए आ रहा है, ये ब्लेसिंग्स हैं, इसको क्लेम करना गाइज। ठीक है, मैं छोटी सी रीडिंग करूँगी, फटाफट बताऊँगी कि क्या प्लान आपके लिए यूनिवर्स कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं। माई गॉड, फॉर ऑफ वॉन्ट्स आपका, अगर आप शादी को लेकर परेशान हैं, आपकी शादी नहीं हो रही थी, लड़का नहीं मिल रहा था, लड़की नहीं मिल रही थी, ऐसा पर्सन आपका पार्टनर ऐसा नहीं मिल रहा था जो आपको चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो चीज आपकी पूरी होने वाली है, आपकी मैरिज के यहाँ पर आसान नजर आ रहे हैं। गुड लक आपका बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ गलत हो रही थी लेकिन अब आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, क्योंकि कुछ नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में थे, कुछ नेगेटिव कार्मिक ऐसे नार्सिसिस्ट लोग आपकी लाइफ में थे जो आपके आपके रास्ते को, आपके लाइफ पाथ को, आप जो करना चाहते थे उस चीज़ को ब्लॉक कर रहे थे, कहीं नेगेटिव स्पेल्स हो रहे थे आपके ऊपर, थर्ड पार्टी थी तो वो बिल्कुल आपको नहीं चाह रही थी। कोई भी थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ भी ऐसा यहाँ पर मेरे को दिख रहा है। लेकिन अब सब कुछ मनी से रिलेटेड, मैंने बोला ना, बहुत सारी परेशानियाँ थी इसी वजह से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारी अनबन हुई थी। तो ये जो चीज़ें हैं ये ब्लेसिंग्स के रूप में, एक फैमिली आपकी एज अ मनी मैटर तो आपका बिल्कुल सॉल्व होने वाला है, क्योंकि आप मेहनत करेंगे, आपका जो भी डिसीजन होगा, जो भी निर्णय आप लेंगे, बिल्कुल वो 100% फुलफिल होगा आपके सक्सेस की तरफ बढ़ाने के लिए। बिल्कुल वो मतलब कि वो जो आप इम्प्लीमेंट करोगे अपने आइडियाज़, वो बिल्कुल सक्सेसफुल साबित होंगे, बिल्कुल उसमें सक्सेस मिलेगी, बिल्कुल अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। इस यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अब आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, आप क्योंकि इस काबिल हैं, क्योंकि आप यहाँ पे इस नेगेटिविटी से बंधे हुए थे, कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स इस नेगेटिविटी से बाहर निकालने वाले हैं। और जजमेंट आ रहा है गाइस, बिल्कुल ये प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है, जितने भी धोखे मिले हैं, आपने मेहनत की लेकिन धोखे मिले, आप एक डिवाइन फेमिनाइन, आप एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, बहुत ही यूनिक पर्सन है, लेकिन आपको लोगों ने समझा नहीं, तो ये सब चीज़ें यूनिवर्स आपकी लाइफ में इन सब चीज़ों को कट कर रहे हैं, इन इस नेगेटिविटी को कट कर रहे हैं, और
आपकी लाइफ में अबंडेंस, आपकी लाइफ में खुशियाँ ये आ रही हैं, बस ये चीज़ आपको सोचनी है कि रिसीव कैसे करें। तो रिसीव करना है, रिसेप्टिव मोड में आना है इन ब्लेसिंग्स को लेने के लिए। ओपन योर हार्ट टू रिसीव ऑल ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बिल्कुल आपको रिसेप्टिव मोड में आना है, ठीक है। तो बिल्कुल यूनिवर्स आपको क्या और कहना चाहते हैं, चेंज ऑफ प्लेस। अगर कहीं पर आपका मन नहीं लग रहा है या चेंज हो रहा है कुछ आपकी लाइफ में, तो होने दीजिए, एम्ब्रेस कीजिए, वो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि ये जो टफ टाइम है अब आपकी लाइफ से निकलने वाला है, यूनिवर्स की ये ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, क्या ही बोलो। प्रोटेक्शन बिल्कुल डिवाइन का, यूनिवर्स का प्रोटेक्शन आपका आपके ऊपर है, आपको फेथ रखना है। मैंने क्या बोला, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, यू विल रिसीव अबंडेंस। आपके सराउंड सारी दिव्य शक्तियां हैं, सरेंडर कर दीजिए। अपनी कोई भी ऐसी परेशानियां हैं तो भगवान को सरेंडर कर दीजिए, ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए, ईश्वर आपके साथ हर वक्त है। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, अगर आपके अंदर कोई भी ईगो है प्लीज़ उसको रिलीज कीजिए। ये सब मेहमान अपने अंदर नहीं रखने हैं। बी ओपन, क्या ब्लेसिंग्स पाने के लिए आपको ओपन रखना है अपने आप को। गॉड एंड ब्लेसिंग्स कम इन अनएक्सपेक्टेड वेज, बी ओपन टू रिसीव दैम। बिल्कुल रिसीव करना है, मैंने क्या बोला, रिसीव, रिसेप्टिव मोड में आना है। डोंट प्रोक नेगेटिविटी, नेगेटिविटी को टाटा बाय बाय कर दीजिए, बिल्कुल टाटा। आपको बिल्कुल भी नेगेटिविटी को एंटरटेन नहीं करना है। और इनसे मैं देख लेती हूँ और क्या आ रहा है। तो यूनिवर्स आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं गाइज। ये जो ब्रोकन ब्रिज, जो आपका ये पाथ, ये जब आप चल रहे थे कहीं ना कहीं स्टक हो गए थे और आप बिल्कुल रुक गए थे, ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते हैं, ये प्रॉब्लम आपकी अब ख़त्म हो गई है, समझ लो, ठीक है। और क्या है, जो आपको दर्द मिले हैं वो अब नहीं रहने वाले। अब जो दर्द है ना वो खत्म हो चुके, क्योंकि सन आ गया, हैप्पीनेस एंड वेलबींग। बिल्कुल आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है गाइस। जो भी ये ऐसे लोग आपकी लाइफ में थे जो आपको सर्व नहीं कर रहे थे, वो खत्म, वो बिल्कुल जा रहे हैं, ठीक है। सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क, जो भी आपने किया बिल्कुल होगा, ठीक है। तो अभी के लिए गाइस इतना ही, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, जय माता दी, राधे राधे, thank you।